नियम आपको बता दें कि यह नियम नियत आयतन पर दाब और ताप के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक के द्वारा 1809 ईस्वी में दिया गया। बढ़िया से ध्यान से जितना भगवान आपको दिमाग दिए हैं उतना कॉन्सेंट्रेट करके सुन लीजिए। 15 मिनट लगातार हम समझाने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर नहीं, बाकी फायदा आपको देंगे। तो दीप्तिगैस के लिए रोकने के लिए दाब जो होता है नियत आयतन पर दाब जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती यहाँ चिन्ह हटाते ही किया जाता है जहाँ के क्या है निहार। इससे पहले पिछले क्लास में आप पढ़े चार्ल्स का नियम और बॉयल्स का नियम। बॉयल के नियम में ताप को नियत करके दाब और आयतन के बीच संबंध स्थापित किया गया था। बॉयल के नियम में दाब और आयतन के बीच संबंध स्थापित किया गया था। चार्ल्स के नियम में आयतन और ताप के बीच संबंध स्थापित किया गया था। और यहाँ गैलुसाक में दाब एवं ताप के बीच। तो इस नियम का मेन स्टेटमेंट क्या है? तो मेन स्टेटमेंट है किसी गैस के लिए होने के लिए नियत आयतन पर दाब जो होता है परम ताप के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटते ही अंजला कर गया के और अब पी बाई टी इक्वल के। तो हम जिस तरह से चार्ल्स के नियम बॉयल के नियम को एक और ढंग से दो तरह से समझाए थे, तो इसको भी दो तरह से आप रख सकते हैं अपने दिमाग में। एक और तरह से आप बता सकते हैं कि नियत आयतन पर किसी गैस के लिए होने के लिए दाब और ताप का अनुपात सदैव नियत होता है। ये जो भी हम बोल रहे हैं आपके सामने जो लिखा गया है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या दिख रहा है? दाब है P और ये ताप है, उसका अनुपात सदैव क्या होता है? तो ये भी गैलुसाक का नियम है। गैलुसाक का नियम यहाँ से बोल सकते हैं और यहाँ से भी बोल सकते हैं। अब आइए इस गैलुसाक के नियम का अनुसरण करते हुए गैलुसाक आप जो अभी हम समझाए उसमें एक ही रह जाते दिमाग में रह जाइए पी बाई टी इक्वल के। तो किसी गैस के लिए विलंबने के लिए अगर दाब P1 है और ताप T1 है तो क्या हो जाएगा जी? P1 by T1 equal K समीकरण नंबर 1। और गाइस जी P1 by T1 equal K समीकरण नंबर 1। इसी गैस के नमूने के लिए दाब बढ़कर P2 हो गया और ताप T2 हो गया तो क्या लिख सकते हैं? P2 by T2 equal K समीकरण नंबर 2। जरा ध्यान दीजिए इस समीकरण का अनुसरण किए दाब P1 है तो हो गया P1 by T1 equal K। और इसी समीकरण का अनुसरण करते हुए अगर हम P2 इस्तेमाल करें तो P2 by T2 equal क्या हो जाएगा? दोनों का दाया पक्ष बराबर है K है तो बाया पक्ष बराबर कर सकते हैं P1 by T1 equal P2 by P2। ये था आपका गैलुसाक का नियम जिसका फाइनल इक्वेशन आया है P1 by T1 equal P2 by P2। एक बार फिर से शुरू से अंत तक किसी गैस के लिए होने के लिए आयतन जो होता है आयतन नियत रखा जाए तो दाब जो होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। P बराबर KT हो गया और P बाई टी इक्वल के। किसी गैस के लिए होने के लिए अगर दाब P1 और दाब T1 है तो P1 by T1 equal K और इसी के लिए दाब बदल कर P2 हो जाए और दाब T2 हो जाए तो P2 by T1 equal K। तो समीकरण P1 by T1 equal P2 by P2। और इस गैलुसाक के नियम का ग्राफीय निरूपण, तो यहाँ पी और टी के बीच ग्राफ खींचाएगा और ग्राफ समानुपाती का है तो समानुपाती का जब भी ग्राफ होता है तो सरल रेखा होता है। सरल रेखा का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दाब अपने अक्ष पर बढ़ेगा वैसे ताप भी बढ़ेगा। आप इस बिंदु पर अध्ययन कर रहे हैं तो दाब इतना ताप इतना, इस बिंदु पर अध्ययन कर रहे हैं तो दाब इतना तो ताप इतना, यदि दाब बढ़ा तो अपने अक्ष पर ताप भी बढ़ गया, इसलिए ऐसा ही ग्राफ इसका आएगा। अब हम बात करते हैं संयोजित गैस के नियम का। तो संयोजित गैस का नियम क्या है? अच्छा से जरा ध्यान दिया जाए। संयोजित गैस का नियम पहले आप लोगों को परिचय के रूप में बता दें कि जो आप लोग बॉयल का नियम इस क्लास में पढ़े चार्ल्स का नियम पढ़े दोनों को एक में मिलाने पर जिस नियम की प्राप्ति होती है उसे संयोजित गैस का नियम कहते हैं। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं कि बॉयल का नियम क्या है तो देखिए आपके लिए यहाँ लिख दिया है। बॉयल का नियम समझाया था नियत ताप पर दाब जो है आयतन के विकर्ण का। यहाँ पर P समानुपाती 1/V और V समानुपाती 1/P कहाँ से आया? तो बॉयल के नियम से। और चार्ल्स के नियम से आया V समानुपाती T। बढ़िया से देखिए दोनों का बाया पक्ष बराबर हो गया है V समानुपाती। तो इन दोनों को एक में हमको लिखने का मन है, दोनों को एक में तो हम क्या लिखेंगे? V समानुपाती T बाई पी। अब जरा देखिएगा ये सिखाया है बॉयल का नियम, ये सिखाया है चार्ल्स का नियम और ये दोनों को मिलाकर आ गया V समानुपाती T बाई पी। अगर हम इसको ऐसे बंद करें
तो आपको चार्ल्स का नियम नजर आएगा। अगर ऐसे बंद करे तो बॉयल का नियम नजर आएगा। तो यानी कहने का मतलब जब बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम को एक में मतलब मिला देते हैं तो जिस नियम की प्राप्ति होती है उसे संयोजित गैस का नियम कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए बी समानुपाती टी बाई पी आ गया। तो संयोजित गैस के नियम को इस तरह से समझाया जाता है कि किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन हमेशा ताप के समानुपाती और दाब के, इसे ही संयोजित गैस का नियम कहते हैं, दी कंबाइंड गैस लॉ। इसका नाम संयोजित गैस का नियम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि ये दो नियम को मिला के बना है, संयोजित करके बना है। और वो नियम कौन कौन है? एक है बॉयल का नियम, एक है चार्ल्स का। ये बॉयल का नियम है बी समानुपाती बाय पी वाला, ये चार्ल्स का नियम है। दोनों को एक में मिला दिया तो बी समानुपाती डी बाय पी। वास्तव में संयोजित गैस का नियम क्या है? तो किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन हमेशा ताप के समानुपाती और दाब के समानुपाती का चिन्ह हट गया, नियंत्रण का गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम भागा से गुणा में भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी? पी भी और ये गुणा में है तो भागा से रहेगा, तो पी भी बाई टी इक्वल। तो जिस तरह से हम इस अनुपात का अनुसरण करके T1 by T1 equal K लाए थे और P2 by T2 by K के लाए थे और फिर दोनों बराबर कर दिया, दिया गया एकदम वैसे ही चल रहे हैं। PV by T equal K शुरू कर रहे हैं। किस गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब है P1, आयतन है V1, ताप है T1, तो इसके जैसा लिखने के लिए क्या करेंगे? P1 by T1 equal K। कहां से संयोजित गैस का नियम सिखाया है कि PV by T equal क्या होता है? तो P1 by T1 equal K। इसी गैस के नमूने के लिए दाब P1 से बढ़कर P2 हो गया, आयतन V1 से V2 हो गया, ताप T1 से। तो अब इस सूत्र का अनुसरण करें तो क्या लिखेंगे? दोनों का दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर कर दिए, P1 by T1 equal P2 by T2। समीकरण यहां 5 प्राप्त हो गया। आपको बता दें कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक तरफ मतलब एक परिस्थिति में दाब ताप और आयतन पता हो और दूसरे तरफ दाब ताप पता हो आयतन का है, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये बहुत सारे चैप्टर में इस सूत्र का इस्तेमाल होता है और ये वास्तव में संयोजित गैस के नियम से ही आया है। दो नियम को मिला के ये सूत्र आया है और वो नियम है चार्ल्स का नियम और तो एक बार लास्ट बार संयोजित गैस का नियम क्या है? किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन ताप के समानुपाती और दाब के। अब आप इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए ये चैप्टर जाना जाता है वो है आदर्श गैस समीकरण। आपको बता दें कि आदर्श गैस समीकरण की प्राप्ति, इसमें तो दो नियम को मिलाए हैं, इसमें तीन नियम को मिलाने से आदर्श गैस समीकरण बनता है। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवायो का नियम शुरू हो रहा है बॉयल के नियम के अनुसार। तो बीस बीस समानुपाती होता है, यही बढ़े तो बीस समानुपाती क्या हो गया? चार्ल्स के नियम के अनुसार बीस समानुपाती थी, एवायो के नियम के अनुसार बीस समानुपाती एन। इस तीनों को एक में मिलाकर हो गया बीस समानुपाती एन पी बाई पी। तो समानुपाती का चिन्ह यहाँ हट रहा है तो क्या हो गया? एक बार फिर से बॉयल के नियम के अनुसार P समानुपाती 1 by V होता है, तो P समानुपाती 1 by P भी लिख सकते हैं। दाब आयतन के समानुपाती हो चाहे आयतन दाब के, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो निश्चित हम ऐसे लिख सकते हैं। चार्ल्स के नियम से P समानुपाती P होगा और एवोगाड्रो के नियम से P समानुपाती, तो तीनों का देखिए बायां पक्ष बराबर है, बढ़िया से देख लीजिए। तो तीनों को एक में मिलाएंगे तो ये हो गया P समानुपाती N T by P। अब देखिए ये बंद कर दिए, एवोगाड्रो का नियम दिखाई दिया, इतना बंद किए तो चार्ल्स का नियम दिखाई दिया, इतना बंद किए तो बॉयल का नियम, तीनों नियम एक में है और समानुपाती का चिन्ह हटते हैं। आज जिस तरह से अपना इंद्र में जब गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किए थे तो आप गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का अध्ययन जी एकदम वैसे ही इस गैसीय अवस्था के दुनिया में गैस के संदर्भ में केवल एक ही गैसीय स्थिरांक होता है वो है आर। तो वहां जैसे जी बदल ले सकता है वैसे यहाँ आर बदल ले सकता है, यहाँ आर ही होता है के नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी बराबर आर एन टी बाई पी। अब ये पी आ गया इधर, पी आ गया इधर, तो सूत्र हो गया पी बराबर एन आर टी। पहले एन तो आर तब टी, क्योंकि एबीसीडी पढ़ते हैं तो पहले एन आता है तब आर आता है तब टी आता है, पूरा समीकरण आपका तैयार।
पीवी बराबर और आपको बता दें कि यही समीकरण आदर्श गैस समीकरण के नाम से केमिस्ट्री के दुनिया में साइंस के दुनिया में फेमस है। पीवी बराबर एनआरटी को ही क्या कहते हैं। तो जो इस समीकरण को समझ गया मतलब प्रूफ पेश कर दिया कि हमको चार्ल्स का नियम दिया था है, बॉयल्स का नियम दिया था है, एल्वारो का नियम दिया था है, क्योंकि तीनों नियम को मिलाने से ही ये आपका आदर्श गैस समीकरण बना है। एक बार फिर से शुरू से अंत तक, ये बॉयल का नियम 20 बार बाद ये है चार्ल्स का नियम 20 बार बाद ये है एल्वारो का नियम, तीनों का बाया पद बराबर है, तीनों से मिलाकर 20 बार बाद ये एलटी में भी समझ बाद ये भी भरते ही आ रहा गया, तो पीवी बराबर एनआरटी हो गया। This is called ideal gas equation. यही आपका आदर्श गैस समीकरण है। अब यही